दोस्तों तुम्हारा एटीट्यूड कैसा भी हो, कैसा भी अगर इस वीडियो को देखने के बाद वो विनिंग एटीट्यूड नहीं बना तो सीधा डिसलाइक मार देना। पर अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और एक रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आपका एटीट्यूड चेंज करने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों एटीट्यूड दो तरह का होता है, एक विनर्स एटीट्यूड और दूसरा होता है लूजर्स एटीट्यूड। जब स्टीव जॉब्स और उनकी टीम आईफोन डिजाइन कर रहे थे तब उनकी टीम ने एक फोन बनाया जो कि साइज में थोड़ा बड़ा था। इस पर स्टीव जॉब्स ने अपने टीम को इंस्ट्रक्शंस दिए कि इसे और स्लिम बनाओ, पर टीम का कहना था कि वो फोन को इससे ज्यादा स्लिम नहीं बना सकते। इस पर स्टीव जॉब्स ने साइड में पड़े एक फिश टैंक में उस फोन को डाल दिया। फिश टैंक में फोन को डालने के बाद उससे कुछ बबल्स बाहर आए और फिर स्टीव जॉब्स ने अपनी टीम से कहा, अगर इस फोन में हवा के लिए जगह है तो इसका मतलब है हम इसे और स्लिम बना सकते हैं। ये होता है विनर्स एटीट्यूड। और दोस्तों ये कोई पैदाइशी नहीं आता, ये हमें खुद डेवलप करना पड़ता है। दोस्तों विनिंग एटीट्यूड बंदे को वो नजरिया देता है जिससे कि वो दुनिया को एक अलग नजर से देख पाता है। और इसीलिए जहां पर बाकियों को सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखते हैं वहां ये बंदा अपॉर्चुनिटी खोज लेता है। एक बंदा था, वो बोलने में अकलाता था। उसका सपना था कि उसे एक्टर बनना है, पर उसके अकलाने की वजह से उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला। पर जिद्दी बंदे ने हार नहीं मानी, इसने खुद का एक शो बनाया और उसमें वो बिना एक शब्द बोले सिर्फ उसकी हरकतों से लोगों को हंसाता था। और ये शो सुपर डुपर हिट हुआ, लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया। अब तो शायद आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूं मिस्टर बीन की। अगर अपने अंदर की कमी की वजह से इन्होंने हार मान ली होती तो क्या ये दुनिया उन्हें अप्रिशिएट करती? कभी नहीं। दोस्तों प्रॉब्लम सबके लाइफ में होती है, जब तक आप जिंदा हो ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, पर उस प्रॉब्लम को कैसे देखना है ये आप पर डिपेंड होता है। इसलिए सिचुएशन कितनी भी खराब हो उसमें अच्छी चीज ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि प्रॉब्लम्स कभी अकेली नहीं आती, वो अपने साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आती है। पर हमारा फोकस प्रॉब्लम्स पर इतना होता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाते। दोस्तों याद रखना, ये दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो अपने प्रॉब्लम्स से लड़कर कुछ हटकर कर जाते हैं, वरना बाकियों को तो प्रॉब्लम्स खुद दबा देता है। जब हम एक बार फेल हो गए तो हार मान लेते हैं। वहां इस बंदे को 30 बार जॉब से रिजेक्ट कर दिया गया था, पर ये कोई हाई प्रोफाइल जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहा था, एक वेटर के जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था। फिर भी इसे रिजेक्ट कर दिया गया, पर इसके एटीट्यूड ने इसे हार नहीं मानने दी और इसने अपने हर फेलियर को एक अलग नजर से देखा, उनसे सीखता गया। और जिसे वेटर के जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था आज वही बंदा चाइना का सबसे अमीर इंसान है। क्या बात है ना, ये होता है एटीट्यूड का पावर। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, गलतियां उन्हीं से होती है, फेल वही होते हैं जो लोग ट्राई करते हैं, और इनकी गलतियों की खोज वही लोग करते हैं जो खुद कुछ नहीं करते। इसलिए अपनी सोच, अपना नजरिया, अपना एटीट्यूड इतना पॉजिटिव रखो कि लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आने दो आप उससे भी भिड़ जाओगे। अपने एटीट्यूड को पहाड़ जैसा बनाओ जिसे कि कोई बवंडर भी हिला ना सके। और फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो, फेल सब होते हैं। जो भी बंदा आज कामयाब है वो कभी ना कभी फेल हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट जैसी मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनी बनाने वाले बिल गेट्स भी ट्रैफ और डेटा नाम की कंपनीज में फेल हो चुके हैं। अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बनने से पहले 12 बार इलेक्शन हार चुके थे। अगर इन लोगों ने पहले एक दो अटेम्प्ट्स में ही हार मान ली होती तो शायद ही आज मैं आपको इनके बारे में बता पाता। इसलिए फेलियर से डरो मत, उनसे सीखो। दोस्तों आप शॉक हो जाओगे, 90% लोग फेल होने के डर से कुछ नया ट्राई तक नहीं करते। इसलिए फेलियर को देखने का अपना नजरिया बदलो, फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। हमेशा याद रखना आप अपने सक्सेस से ज्यादा फेलियर से सीखते हो, और ये 90% लोग वही घिसी-पिटी लाइफ जीते हैं। पर जो बाकी के 10% लोग होते हैं ना, ये कुछ हटके सोचते हैं और फेलियर से लड़ के कामयाबी के लिए ट्राई भी करते हैं, और ये वही लोग हैं जो हमेशा भीड़ की वजह बनते हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 90% लोगों में शामिल होना है या फिर उन 10% लोगों में। दोस्तों इस वीडियो का एंड हम एक बहुत ही अच्छी स्टोरी से करेंगे। एक गाँव में एक बंदा रहता था जो कि बहुत शराब पीता था। उसके दो बेटे थे जो रोज उसे इस हालत में देखते थे। 10 साल बाद पहला बेटा अपने पिता की तरह ही शराबी बन गया और दूसरा बेटा IAS ऑफिसर बन गया। जब दोनों से भी उनकी सिचुएशन का कारण पूछा गया तब दोनों का भी जवाब सेम ही था। दोनों ने कहा, आज मैं जो भी हूं अपने पिता की वजह से हूं। दोस्तों यहां प्रॉब्लम तो दोनों का भी सेम ही था, पर उनके एटीट्यूड ने दोनों को अलग बना दिया। प्रॉब्लम्स आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। थिंक ऑन इट। दिस इज विल पावर स्टार साइनिंग अप फॉर द डे।